तो क्या लिखा है? आपने जो बोला वही तो लिखा है। क्या बोला था मैं? दूल्हा दुल्हन का नाम लिखना, यही तो बोला था आपने। अरे लिखा कहाँ है दूल्हा दुल्हन का नाम? इनसे मिलो जी, मोस्ट रिस्पेक्टेड फूफा जी ऑफ फैमिली। मैं नहीं करता अब मिलनी। और छोटे जीजे को इतनी रिस्पेक्ट, हमेशा ऐसे होता है यार। पहले भी इसको 11,000 का लिफाफा, तो साथ में वो सफारी सूट का कपड़ा मिला सगर पे, और मुझे खाली सफारी सूट का कपड़ा। मैं कभी पहनता हूँ सफारी सूट हैं? और डिजाइनर कपड़े पहनता हूँ डिजाइनर। और हम कोई इरिस्पेक्टिव पर्सन है? तेरे घर में मेरी कोई कदर ही नहीं है और ना होनी है। चल चल यहाँ से। और चल ये पकड़ यार, हो जाएगा ठीक हो जाएगा। यार तू क्या तैयार हो रहा है? तेरी शादी थोड़ी है और दीदी को पार्लर लेके भी जाना है। और हाँ, वापसी में बच्चों के डायपर लेते आइयो। चल चल जल्दी करना, हिल यहां से चल। अरे हाँ। सलोनी हाँ। तेरी दीदी की तो शादी हो रही है हाँ। तू कब कर रही है? तेरी कोई लाइकिंग है या मैं देखूं? अरे एज होती जा रही है कि नहीं? हो आंटी, आपको किसी ने बताया नहीं? 3 महीने पहले मेरी शादी हो गई। ओहो, आपको कैसे पता चलेगा? हमने ना सिर्फ वो क्लोज वाले रिलेटिव्स बुलाए थे, और आप तो इतनी क्लोज हो नहीं है कि नहीं हा? सुमन बढ़िया गोलगप्पे बजा लेती हो भैया। थैंक यू मैडम। महीने में कितना कमा लेते होंगे? मैडम यही कुछ 40-50 हजार रुपए। अरे वाह, इतना अच्छा कमाते हो, दिखने में इतने अच्छे लगते हो, शादी क्यों नहीं कर लेते भाई तुम? मैडम मैं तो रेडी हूँ, पर घर वाले नहीं मानते ना। ओहो, तो घर वालों से मैं बात कर लेती हूँ ना, मेरे पास बहुत अच्छी अच्छी लड़कियाँ हैं। अब कौन कौन है घर में? मैडम एक बीवी दो बच्चे। देखो यहाँ तो किसी को मेरी कदर नहीं है, मैं बता रही हूँ शादी की यही उम्र होती है। एक बार निकल जाए ना तो समाज के बड़े ताने सुनने पड़ते हैं भाई। मैं तो कहती हूँ आंख बंद करके ना हाँ कर दो बस। अरे पापा, आपने कहा था बारात में हाथी आएगा, यहाँ तो घोड़ी भी नहीं आई। क्या है, पूरी बारात खड़ी है, घोड़ी कहाँ है? अंकल जी कर दिया ना पराया, हमें कर दिया ना आपने पराया। क्यों अंकल? आपको अपने बेटे का ख्याल होना हो हमें पूरा है। बेटा बता बता अंकल को। अंकल जी मेरी एक टांग नकली है, मुझे ना घोड़ी पे बैठने का बहुत शौक था। मेरी शादी पे भाभियों ने घोड़ी को दाल खिलाई, उसके बाद घोड़ी को आगे चक्कर और हाल। अरे रो मत, रो रो ना, रो मत बेटा, रो मत, रो थोड़ो आ जाएगा पैर वापस आ जाएगा। अंकल जी इसलिए ना घोड़ी घोड़ी मैं बनूंगा। वाह बेटा वाह, आ बेटा। अरे ऐसे आ जा, छोड़ो यार, जो हो गया सी हो गया, और छोड़ो ना वो संधियों, कुछ कहना पड़ता है यार कभी कभी। मुझे कहना पड़ता है हैं? और सवेरे मेरी बारी में पगड़ी कम पड़ गई थी, यहाँ कुर्सियों को छह छह डाल रखी है आपने, इतनी बेइज्जती करते हो। छोड़ो ना, ठंड रखो। नहीं यार, दही बल्ले खा तू, ठंड नहीं खाने मुझे, खाना यार। और दही बल्ले दे यार तू इनको, खाओ चलो। दही बल्ले खा, बेइज्जती कर देते हैं, फिर कहते हैं दही बल्ले खा। हाँ लो जी लो, नहीं खिलाने से तो पहले बोल देते, यहाँ तो कोई पूछ के राजी नहीं है। ओ, मुझे बिना पल्ले वाले दही पल्ले खा रहे थे, किसी ने पूछा मुझसे? तुझे भी किसी ने सिखाया होगा ना, क्यों डाला तूने पल्ला पकड़ इसे? और यहाँ तो इस घर में कोई कदर ही नहीं है जी मेरी, मैं तो रुकता नहीं यहाँ पे, समझे? जल्दी खा ले, चल निकले यहाँ से। मैं बताता हूँ ना। अरे अंकल का छोट, ये क्या खाना बनवाया तूने? ये पनीर है या चिकन? चबाया भी नहीं जा रहा। आंटी जी आप कंप्लेन कर रही हैं, आप कंप्लेन कर रही हैं। आप ये खाएंगी ना जैसे ही घर पहुंचेंगी, आपकी जो जॉलाइन है वो जॉन अब्राहम से तेज हो जाएगी। नहीं आप बोलो तो मैं अभी सॉफ्ट पनीर डलवा देता हूँ, नहीं तो मेरे क्या है, मैं डलवा दूंगा ना। नहीं नहीं ठीक है बेटा, ठीक है ओके। ओए, ओए तू फोटो खींचता रहेगा क्या? और तेरा मामा SS लॉन की जगह SS गार्डन पहुंच गया, जा ले गया। भाई साहब आप एक बार थोड़ा सा लेफ्ट होंगे? मैं आप, हाँ जी लेफ्ट होइए, हाँ। थोड़ा सा और लेफ्ट हो जाइए, और थोड़ा ऊपर, थोड़ा सा ऊपर उठिए, हाँ उधर से घूम के ना आप उस रूम में चले जाइए, क्योंकि
ऑफिस की मीटिंग उस रूम में हो रही है, यहाँ तो फोटो खींच रही है ना शादी की। हाँ आप बाहर हो जाइए सर। थैंक यू। शॉपिंग के टाइम ही तुझे बोला था कि शादी है, ऑफिस की मीटिंग नहीं। चलो उदास मत हो, मैंने तेरे लिए ऑलरेडी मान्यवर से शॉपिंग कर ली थी। इसमें तू अलग भी दिखेगा और दूल्हे का भाई भी। चलो जल्दी जाके पहन ले वरना कोई मीटिंग का लिंक भेज देगा। ये हुई ना बात। क्या बात है सर, फ्लैश से भी ज्यादा चमक रहे हो, एकदम आर्यन कार्तिक। चलिए सर लुक अप। अरे इतना ऊपर नहीं सर, कैमरे में देखिए सर, कैमरे में। ये पेट अंदर कीजिए मौसा जी। सब अपने अपने जोड़े गले में हाथ डालिए। चलिए शाबाश, वो एक अंदर पे हाथ रखिए। अरे सीमा आंटी है वो जी। हाँ अच्छे से लगाइए इनको। लड़की का भाई आगे आओ बेटा, आगे लेट जाओ कदमों में। सब कीजिए पंडित जी, थोड़ी थोड़ी मंगा ले। ठंडी बात हो रही ना, चाय कॉफी की बात कर रहा हूँ मैं तो। हेलो, क्या यार आपस में ही फेरे ले लोगे क्या, या कोई पूछेगा नहीं हमसे कुछ? इस घर में तो कोई कदर ही नहीं हमारी। देखा, धक्के देके निकाल दिया हमें। अरे धक्के खा के निकलेंगे या मुक्के, ये तो पूछ लेते हमसे। कहाँ चली गई दीदी? चली गई वो अपने ससुराल। और तू कहाँ था? बस रोटी की पड़ी थी तुझे, 20 मिनट रुक नहीं सकता था? ओ कोई रोटी की नहीं पड़ी थी यार, ये ताई जी को खा खा के लूज मोशन हो गए थे, इनके लिए दवाई लेने गया था। और क्या 20 मिनट है, 20-20 करके 20 चक्कर तो मैं स्टेशन के मार चुका हूँ। कभी इसको लेने जाओ, कभी उसको छोड़ने जाओ। बहन के साथ डांस करने गया तो पापा का फोन आ गया, मेहंदी लगाने बैठा तो होटल वालों को कॉल आ गया। शांति से 1 मिनट को बात भी नहीं कर पाया मुझसे। तो अब कर ले। बोला था ना जब जाऊंगी तो बहुत रोएगा। कोई नहीं रो रहा है यार। अच्छा तो ये क्या है, ये क्या है? एवरीवन एक रोते हुए स्माइल करते हुए ये फोटो। प्लीज एवरीवन इमोशनल पिक्चर। अरे भाई जल्दी से कुर्सी उठा, दूसरी शादी में भी जाना है। अच्छा वो दूल्हा दुल्हन वाला बोर्ड भी उठा ले, उस पे नाम वहां जाके डाल देंगे। हाँ हेलो जी, देखिए शादी आपके यहाँ हो या हमारे यहाँ, ऐसे किस्से तो होते ही रहते हैं। सो दोस्तों, ये थे हमारे कुछ शादी के किस्से। आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए अपने एक्सपीरियंसेस और किस्से। और हाँ, अपने हो, दोस्तों के हो या रिश्तेदारों के हो, और शादी चाहे किसी की भी हो, तैयार होके जाए। फॉर्मल्स, ब्लेजर्स या टक्सीडोज में नहीं, मान्यवर में जाए। दे हैव अ ह्यूज रेंज ऑफ कलेक्शन। Visit Manyavar now and pick out the best for yourself. And for more such exciting and awesome videos, keep watching the Timeliners and like and subscribe!